सभी का स्वागत है। आप देख रहे जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशल। जनपद के विकासखंड कछौना कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया है। राष्ट्र निर्माण में ग्राम विकास की प्रथम पंक्ति, जिसके सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी विकासखंड की होती है, परंतु ब्लॉक सभागार में जगह जगह कूड़े के ढेर व गंदगी का अंबार लगा है। ब्लॉक मुख्यालय के दो इंडिया मार्ग का नल खराब पड़े हैं। सामुदायिक शौचालय अनुपयोगी है, गंदगी का अंबार है, आवास जर्जर पड़े हैं। विभागीय अधिकारी नदारद रहते हैं, दूर दराज से आए ग्रामीण छोटे छोटे कार्यों के लिए भटकते रहते हैं। खंड विकास अधिकारी ब्लॉक मुख्यालय पर भी नहीं रहते हैं, जिम्मेदार पूरी तरह मौन है। जब योगी राज में भी खुद ब्लॉक मुख्यालय की तस्वीर यह है तो गांव की तस्वीर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। आपको बता दें, जनपद हरदोई के ब्लॉक कछौना कार्यालय में फैली पड़ी गंदगी लोगों के लिए भले ही नासूर बनती जा रही, लेकिन अधिकारियों को गंदगी से कोई सरोकार नहीं है। गंदगी के कारण दुर्गंध फैल रही है, जिसे ब्लॉक परिसर में खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। क्षेत्र पंचायत से बनाए गए शौचालयों की दशा बदतर है। कार्यालय में शौचालयों में कई माह से सफाई नहीं कराई गई। शौचालयों के पास जाना दुश्वार हो रहा है। जगह जगह गंदे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पौधारोहण के लिए लगाए गए ट्री गार्ड टूटे पड़े हैं, उनमें से पौधे गायब हैं। ज्यादातर कर्मचारी अपनी सीट से नदारत रहते हैं। जब योगी राज में भी जनपद हरदोई के कछौना ब्लॉक की यह हालत है तो ग्रामीण क्षेत्र की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वच्छता को लेकर बेहद गंभीर हैं। स्वच्छता जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं, गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं ताकि स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके। ब्लॉक कार्यालय में ऐप पर पढ़े वीडियो, एडियो पंचायत क्लर्क व सचिव सहित सभी अधिकारी बैठते हैं, जिनके कंधों पर पूरे ब्लॉक क्षेत्र की जिम्मेदारी है। ऐसे में उनके ही कार्यालय में गंदगी की सफाई ना हो पाना कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी उजागर हो रही है। बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीबीएन 24।